शरणिक तत्व जो है वो ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन को बदनाम करना चाहती है। और मेरा मानना है जब वो लोग से पूछिए जो आज सरकार ने जो दिया है, दौर ख़त्म किया, वेटेज की जिक्र की गई है, उसका भी कंफर्मेशन बहुत जल्द हम लोगों के बीच में आने वाली है, जो लड़का फॉर्म नहीं भर पाया उसकी भी चिंता ग्रहण की जा रही है, जिन लोगों का मांग जीएम पावर से था वह जीएम पावर किस स्थिति में नहीं स्वीकार किया गया, यह भी एक गंभीर समस्याएं थी, लेकिन हम लोगों का मांग था जीएम पावर से, यह बात सभी लोगों को मालूम है। लेकिन किस स्थिति के कारण से हम लोग इसको पूरा नहीं, हम लोग नहीं मतलब सरकार ने नहीं पूरा कर पाया, ये ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के तमाम एक्टिव लीडर के हाथ में नहीं था कि आपको जीएम पावर दिला देती, जिनको देना था उसने नहीं दिया, कुछ प्रशासनिक आर्सन होने की वजह से नहीं दिया। ये बात तो हम लोगों को पढ़े लिखे लोग को समझ में आती है और लोगों को समझना भी चाहिए। मांग हम कुछ भी कर सकते हैं अपने अधिकार के लिए, लेकिन उनकी जो मांग कर पूरी होने की आवश्यकता होती है वो अपने पॉलिसी के अनुसार ही करता है। अब देखिए दौर ख़त्म हुआ तो उसका लाभ क्या हम लेंगे, सिर्फ वो व्यक्ति हम लोग होंगे कि तमाम अप्रेंटिसों को लाभ मिल रही है दौर का, क्या वेटेज का जिक्र जो हुआ है क्या सिर्फ हम लोगों को मिलेगा कि तमाम अप्रेंटिसों को मिलेगा, जो किया था, जो कर रहा है, जो भविष्य में करेगा, और अगर जो मिला है उसको स्वीकार नहीं कर करके अगर हम ऐसे शब्दों का चयन कर ले और ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगे कि इन लोगों ने गया है तो ऐसा करा लिया है, इन लोगों को किया, तो आपके लिए कोई लड़ने वाला भी नहीं है, जबकि लड़ाई सच्चाई से अगर कोई लड़ने का कार्य किया तो वो हम लोगों ने भी किया, और आज भी हम वो बात को कह सकते हैं, अपने डंके की चोट पर कह सकते हैं, आगे आने वाला जो भी मांग होगा और सफलतापूर्वक जो भी हाथ लगेगी उसका ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के तमाम हम पुराने साथी ही होंगे। और इसके अंदर जो भी कमियां है उसको भी पूरी की जाएगी, लेकिन सिस्टम से मैं भी पहले भी कहा हूँ और आज भी कहता हूँ, लेकिन वर्तमान में उन छात्रों के लिए जो हम लोगों के संघर्ष में खड़ा रहता था आज उसका एग्जाम है, उसको डिस्टर्ब। जो लोग यह बात को कह रहा है कि आज भी हमको जीएम पावर चाहिए, और जो लोग किसी को भड़का रहा है कि आज भी आपको जीएम पावर ही चाहिए, उनसे पूछिए कि आप नौकरी में हैं क्यों नहीं आप अप्रेंटिस का ही जीएम पावर का इंतजार किए, क्यों नहीं आप जीएम पावर को लड़ने के लिए नौकरियां को छोड़ दिए। अरे कम से कम हम लोग तो वो लोग हैं जो अप्रेंटिस में ही रह करके और अप्रेंटिस का लड़ाई लड़ने के बाद अप्रेंटिस का जो लाभ मिला इसी के रास्ता से जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और वो लोग इंग्लिश पढ़ रहा है, लोगों को उल्टा सीधा बयानबाजी करवा रहा है कि जीएम पावर जीएम पावर, तो जीएम पावर फेसबुक पर नहीं लड़ी जा सकती है, उसके सामने एक कानूनन प्रक्रिया होती है, उसकी बहुत कारण है, उसकी हम अंदर तह तक नहीं जाना चाहते हैं, जो मिला है पहले उसको स्वीकार कीजिए, और इसमें और क्या सरल रास्ता बनाया जा सकता है जिससे कि छात्रों को लाभ मिले, वो लड़ाई लड़ी जाए। और एक और बात हम बता देना चाहते हैं, जो लोग आपको गुमराह करने की प्रयास किया जा रहा है उनसे बचने की आवश्यकता है। ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन ना ही किसी से ठग किया है और ना ही ठगेगा। आपसे कोई अगर किसी चीज़ का डिमांड करता है या आपको किसी गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास करता है तो मैं आप लोगों को आगाह करता हूँ कि कोई भी लड़का किसी तरीके का अगर आपको कह दे कि हम यहाँ पर आपका बात बना देंगे या आपका काम करवा देंगे, मेरे लोगों का जान पहचान है, यहाँ से ये करवा देंगे, तो बिल्कुल भी आप उस पर अगर आप जाते हैं तो स्वयं का दोषी होंगे, इसमें ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन का कोई योगदान नहीं होगा। गलत होने से बचना भी है और गलत करने वाले लोगों से सावधान हम लोगों को भी रहना है। इसलिए साथियों आप ऐसा उन व्यक्ति से बचने की आवश्यकता है, अगर आपको कहता है कि हम आपका काम करवा देंगे,
ये करवा देंगे वो करवा देंगे, तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा कोई करता है। तो आप आशीष मिश्रा और चंदन से संपर्क कीजिए, उनका खंडन करते हैं। इस तरीके का कोई भी लड़का ऑल इंडिया एक्टर में मेरा टीम लीडर इस तरीके का धंधेबाजी में नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा। और जो लोग है वो हम लोगों के साथ में नहीं है, ठीक है। इसलिए साथियों आप गलत चीज़ से बचिए, और कोई भी आपसे डिमांड करे किसी चीज़ का तो आपको नहीं देना है, नहीं उसकी मांग को पूरे करना है, और अगर करते हैं तो वह स्वयं का दोषी करार होंगे आपको। इसमें ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन का हाथ में, ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन ईमानदारी से लड़ता था, लड़ता है और लड़ता रहेगा। आप उनका साथ दीजिए, इसी में आपकी जीत है, ठीक है। और आपसे कोई भी पैसा का कोई जिक्र करे सीधा सीधी आप उसको नंबर हमको दीजिए, उसको तुरंत उसका तलाश लिया जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन गलत गतिविधि कभी नहीं की। आपको जो रेल सरकार ने जो लाभ दिया है, आप पढ़िएगा, आप नौकरी में जाइएगा, आपका दौर खत्म हो गया है, लेटर दिया जाएगा। अगर आप गलत गतिविधि में बजेगा तो आपका कहानी वहाँ पर क्लोज होगा। जो पढ़ेगा जो नौकरी लेगा, आपके लिए छूट की व्यवस्था की गई है, छूट की गई है। और जो इसमें जो मांग हम लोगों को मांगना चाहिए उसको सिस्टम से डरेंगे, लेकिन गलत गतिविधि से और किसी ग्रुप में आपको जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन जिसमें हम लोग हैं उसी से जुड़ करके रहिए, आपका उसी में भला है। और जिसको जुड़ना है इसी से जुड़ करके रहे, अगर दूसरे में जुड़ता है तो ये अपने खुद का पैर से कुल्हाड़ी मारने की बात होगा, डिमांड इसी में रहेगा। संगठन दो भाग में नहीं होगी, संगठन एक था, एक है और एक ही रहेगा। एक व्यक्ति के कारण से संगठन टूटेगा ऐसा नहीं होगा। आपको डिमांड रखना है, आप डिमांड ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के पेज खड़ा करके रखिए। वह डिमांड के लिए हम लोग आपके ज़्यादा चिंतित हम लोग भी हैं। हम लोगों को भी और सरल रास्ता क्या हो सकता है, वो हम लोग भी अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कुछ कारण है। अभी हम लोग सब लोग अपने अपने तरीके से व्यस्त होने के कारण से नहीं कर पा रहा, लेकिन आने वाला दिन में आपको ही लड़ना होगा, लेकिन ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के पेज से ही लड़ना होगा, इसी एसोसिएशन के साथ में लड़ना होगा। इसी बात के साथ अपना वक्तव्य को विराम देते हैं। गलत गतिविधि से बचिए, और आप लोगों को जो गुमराह करने का प्रयास करें उससे बचिए, और जो लाभ मिला है वो आपको भी मिला है, वो हमको भी मिला है, और आने वाला पीढ़ी को भी मिला है। और इससे ज़्यादा न किसी को कुछ मिल रहा है और नहीं मिलेगा। कुछ लोग गलत गलत तरीके का रिमर फैला रहा है, ये लोग दिल्ली गया अपना ये करवा लिया वो करवा लिया, इतना रहता तो हम लोग पिछले बार नौकरी कर लेते हैं, और इसी बार करने की आवश्यकता के तो वैसे लोग को कुछ नहीं मतलब है, बस संगठन के लोगों को बदनाम करना है, संगठन के लोगों को बदनामी से झलवाना है, उससे ज़्यादा नहीं है। उससे पूछिए जब हायर कमेटी गठित हो रहा था अपने डिमांड को लेकर के कहाँ छिप गए थे, कहाँ थे, अकेला चंदन पासवान क्यों विरोध कर रहा था, जमालपुर में क्यों अप्रेंटिस को लेकर के रेल मंत्री का पुतला दहन कर रहा था, उस समय कहाँ चले गए थे हायर कमेटी गठित, तो हायर कमेटी के समय में क्यों नहीं बात को रखा गया। आज जब जो लाभ मिल गया है तो उसको याद आ गया लड़ाई लड़ने का, तो वो सब नहीं होने वाला है। आपको जो मिला है उसको संतुष्टि से स्वीकार कीजिए, और इसके अंदर और हम लोग ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि इसके अंदर हम लोगों को लाभ क्या मिल सकते हैं, और सरल रास्ता क्या तैयार किया जा सकता है, और नया छात्रा को क्या लाभ दिलाया जा सकता है, भविष्य में इसमें और हम लोगों को क्या संभावना, एक नई रास्ता निकाल सकते हैं। यह हम लोग ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन का तमाम लोग ही निकाल सकते हैं और निकालेंगे, और माननीय शिवगोपाल मिश्रा जी और तमाम हम लोगों के जो बात को रखने का स्वीकृत करते हैं और रखते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोग भी वहाँ पर बात को रखेंगे। अब जो आने वाला फैसला होगा उसको स्वीकार करेंगे, और जहाँ सरकार से टकराने की बात आएगी तो वहाँ सरकार से टकराया भी जाएगा, लेकिन सिस्टम और अनुशासन में रह करके जाएगा। चलिए धन्यवाद साथियों।